आज हुंकार में बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि अब से कुछ ही देर में वहां पर बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने पर अड़ा हुआ है। वहां के हुक्मरान इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। आज पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है। सवाल बना हुआ है कि सत्ता के इस खेल में इमरान खान पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। क्या इमरान के हाथ में ही पाकिस्तान होगा या एक बार फिर से सेना के हाथ में कमान होगी, तख्ता पलट होगा। बहस की शुरुआत करेंगे, वहां से लगातार अपडेट पाकिस्तान से आपको पहुंचाएंगे। उससे पहले इस वक्त पाकिस्तान की संसद का नंबर गेम आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें फिलहाल इमरान साफ तौर पर पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। एलईडी पर वो नंबर गेम आपके सामने होगा। इमरान के पास 179 इस वक्त जितने भी सांसद थे उनमें से 51 बताया जा रहा है बागी है, 128 इसका मतलब आंकड़ा रहता है, लेकिन बहुमत से कितना, 44 पीछे है। ये सभी आपस में मिल गए हैं, 162 प्लस 51 213 हो जाते हैं। ये 51 बागी कहा जा रहा है कि विपक्ष के खेमे में जा सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी किसी तरह का कोई साफ जो है क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं मिल रहा है। पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले इस नंबर गेम के साथ अब तक पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं। इमरान खान का फाइनल इम्तिहान, संसद में इमरान का होगा सच से सामना। नंबर गेम में फंसे इमरान कैसे पास करेंगे इम्तिहान, कुर्सी पर इमरान के कितने दिन, सत्ता का खेल, इमरान पास या फेल, क्या पाकिस्तान में इमरान का आखिरी ओवर। ABP News आपको रखे आगे।